तो मैं लाइव हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको शुभ प्रभात। मैं हूँ चाणक्य शुक्ला और सबको शुभ प्रभात कहता हूँ मैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक पॉइंट है आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि अगर जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबको पता है कि अदर देन माई अदर प्रोफाइल्स आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने ये एक सही कदम चुना कि एक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया जाए, बिकॉज आप साथ में रहते हो या लाइक माइंडेड आपको लोग मिलते हैं। और मैंने इसीलिए आईपीआरएस मतलब इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, आईपीआरएस एक सोसाइटी है जो कि स्टार्ट तो हुई थी बम्बई से, मुंबई इंडिया से, लेकिन अब इट्स ऑल ओवर इंडिया। और इसका मेन पर्पस ये रहता है रॉयल्टी कलेक्शन मतलब जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं, जो अपना ओरिजिनल काम दिखाते हैं, उनका काम अगर कहीं और परफॉर्म होता है बीइंग इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म, मतलब कोई रिकॉर्डिंग उनकी प्ले हो रही है या फिर कोई उनकी ही मिमिक्री कर रहा है, तो उसका उनको रॉयल्टी मिलता है ओरिजिनल आर्टिस्ट को। तो कोई मान लीजिए अगर मैं कॉमेडियन हूँ और मेरा अपना जोक है, और कोई और कॉमेडियन जो कि अभी उभरता हुआ कलाकार है और मेरा जोक कहीं किसी स्टेज पे परफॉर्म करता है, और ऑब्वियसली अगर उसको उसके पैसे मिलते हैं तो उसका कुछ पोर्शन ओरिजिनल आर्टिस्ट को भी जाएगा। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये सिस्टम जैसे अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो विद यूट्यूब में, जैसे अगर आप कोई म्यूजिक में कोई आप कवर सॉन्ग करते हो तो ओरिजिनल आर्टिस्ट को, ओरिजिनल जो क्रिएटर्स हैं उस सॉन्ग के, उसको शेयर जाता है, प्लस आपको भी अलाउ कर देते हैं वो कि आप भी कमाइए साथ में, साइड जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है जिसका आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी एक शेयर जाना चाहिए। तो मेरा पॉइंट एक और ये है कि जो लोग एक्टर्स हैं, क्योंकि वो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टर्स, क्योंकि ना ये प्लेटफॉर्म्स जो आ गए हैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो उससे काफ़ी नाखुश हैं कितने सारे एक्टर्स एंड ओरिजिनल क्रिएटर्स, जिनको लगता है कि अब ओटीटी की वजह से खतरे में है उनका टैलेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तक तो देखो बॉट्स में चल रहा है सब कुछ। अगर म्यूज़िक तो आप पकड़ सकते हो, म्यूज़िक की ऑडियो फॉर्म्स होती हैं, तो फिर डिजिटली बॉट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कैच कर सकते हैं कि ये ऑडियो फॉर्म किसी और ट्रैक से उठाया हुआ है, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम के अंदर भी ऐसा एक ऑप्शन रहता है। लेकिन जैसे ये एक्टिव होती हैं बॉडीज, जब मैन्युअली आप इनको चेक करोगे, तो जब भी चेक करो तो मैं एक सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं भी आईपीआरएस का एक मेंबर हूँ जिसके चेयरमैन तो जावेद अख्तर साहब हैं, बहुत अच्छे राइटर, सब जानते ही होंगे उनको, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हैं जैसे शोले और डॉन और बतेरी फिल्में हैं, मैं तो क्या ही उनके लिए बोलूं। लेकिन उन्होंने आर्टिस्ट लोगों के लिए क्या काम किया है कि रॉयल्टी कलेक्शन एक ऐसी चीज़ हो गई कि अगर कोई ओरिजिनल आर्टिस्ट है और उसका काम कहीं परफॉर्म होता है तो वो रॉयल्टी को मना नहीं कर सकता, उसका एक ऐसा राइट बन जाता है कि वो उसके पास आएगा ही। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये क्या है, हम आर्टिस्ट को एक सिक्योरिटी देता है। एक जैसे हम अनसर्टेन रहते हैं कि लाइव शो नहीं हुआ तो पैसे कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली अर्निंग एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि आर्टिस्ट जो है जो उनकी मिमिक्री करते हैं, मान लीजिए अभी मैं रेडियो सुन रहा था तो रेडियो में वो जो बोल रहे थे वो असली अमिताभ बच्चन जी नहीं भी थे, फिर भी वो बोल रहा है नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन और आप यहाँ से ज्वेलरी खरीद सकते हैं, तो उनकी आवाज़ में अगर वो बोल रहे हैं तो फिर करने दीजिए उनको वो काम, मिमिक्री में पैरोडी में काउंट होगा, बुरा लगे या कैसा लगे देखिए, बाकी आर्टिस्ट भी दूसरों को कवर करके ही सीखेंगे ना, तो इसमें हमें बुरा तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करते हुए एक रॉयल्टी कलेक्शन बॉडी जो ऑलरेडी है मेरे ख्याल से आईपीआरएस जैसे बॉडीज हैं, तो ये इनका ख्याल रख सकते। तो मैं यही सजेशन देना चाह रहा था कि जैसे रेडियो क्यों पूरा हम रेडियो पर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम बोलते हैं एक रेडियो इंडस्ट्री इज़ अ बिग वर्ड है ना, और असल में बॉलीवुड भी कोई एक ऐसी जगह नहीं है। बॉलीवुड मुंबई में जाओ, एवरीबडी इज़ इंडिविजुअली स्ट्रगलिंग, और ये जो पुराने आर्टिस्ट हैं जो जावेद अख्तर की गोल्डन ईरा एज में जो है वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अब दोबारा उनको ऑडिशन देने पड़ते हैं ओटीटी में आने के लिए, तो फिर उनके लिए हम सरल करने के लिए चीज़ें, क्योंकि हम कॉन्टेंट भी मोस्टली उन्हीं का ही उठाते हैं, तो फिर उसमें मेरा एक सजेशन है कि
हमें एक ऐसी बॉडी फॉर्म करनी चाहिए जो कि मैनुअली इन चीज़ों को देखे, और अगर कोई आर्टिस्ट किसी को कवर कर भी रहा है किसी की तरह, तो फिर एक पोर्शन ओरिजिनल आर्टिस्ट को जाना चाहिए, और ऐसी बॉडीज के सब मेंबरशिप लें। आई वुड इनकरेज देम, थोड़ा सा पैसा आप दो तभी आपका आर्थिक संकलन चलेगा। अगर आप एक तरफ से रोक के बैठे हो कि मैं दूंगा नहीं, तो फिर आएगा कैसे? पैसा तो ऐसे ही सर्कुलेट होता है।